नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाखापट्टनम, जहाँ है एक कॉलोनी और उसमें दो घर, एक में रहता है मोंटी और दूसरे में गुड्डी। मोंटी गुड्डी को बेहद चाहता है, जान से भी ज्यादा चाहता है। हर रोज गुड्डी से मिलना है, बात करना है और उसके साथ खेलना है। वो गुड्डी के लिए कुछ भी कर सकता है, उसके दिलो दिमाग में सिर्फ गुड्डी ही है। मधुबन में राधिका नाचे रे मधुबन में। ए मोंटी, उस आदमी को पत्थर मारो। बोलकर मारो या छुपकर मारो? छुपकर ही मारो। मधुबन में राधिका नाचे। किसने पत्थर मारा जानते हो? किसने मारा? किसने मारा? अबे मैंने। बुढ़िया जी, मोंटी का, रुक जा, रुक जा। ये पत्थर मारा? अरे नाक में दम धर रखा है, जरा जोर मारिए। बाबूजी, मैंने जान बूझ कर नहीं मारा। क्यों मारा बाबूजी? उसने बोल क्यों मारा? गुड्डी ने मारने के लिए कहा था बाबूजी। गुड्डी ने पत्थर मारने को कहा? धनराज जी, तुम्हारी गुड्डी ने पत्थर मारने को कहा है? क्यों गुड्डी, क्यों पत्थर मारने को कहा? ये अंकल रोज दारू पी के अपनी बीवी को मारता है, कल भी बुरी तरह से मारा था। वो गुड्डी कौन होती इंसाफ करने वाली? वो दारू पिएगा, मारपीट करेगा, उसकी मर्जी। तुमने क्यों मारा? मत मारिए, मत मारिए। क्यों बेटा मोंटी, तूने मेरी मरद को मेरे वास्ते मारा ना? हाय दया, कितना प्यारा बच्चा है। अगली बार ऐसी वैसी हरकत करते इसे देखे तो खूब जोर से मारना, ठीक है? मारूंगा तो घर में दिखाती हूँ। इस कदर चाहने वालों के बीच एक दिन झगड़ा हुआ, बहुत बड़ा झगड़ा। मोंटी ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की पर कामयाब नहीं हुआ। गुड्डी बहुत खफा थी। गुड्डी, लो अमृत खा लो। नहीं चाहिए। मुझसे बात करो ना गुड्डी। मैं बात नहीं करूंगी, मैंने कसम खाई है। गुड्डी गुड्डी प्लीज रुक जाओ ना। तुम बात मत करो। ऐसा मत करो गुड्डी, प्लीज गुड्डी। मैंने कहा ना बात मत करो, फिर क्यों करते हो? कितने दिनों तक? क्या कितने दिनों तक बात नहीं करोगी? दिन नहीं, सालों तक। कितने सालों तक? 10-12 साल। 10 या 12, ठीक से बोलो। 12 साल। ठीक है, तब तक मैं भी बात नहीं करूंगा, तो तुम मुझे क्या दोगी? मैं तुमसे शादी करूंगी। ठीक है, यही फाइनल है।
डी, एक बार टाटा निकल गई। किस मनहूस घड़ी अपना गांव छोड़ के वैजाग चलाया, सब सत्यानाश हो गया। मेरा बेटा मोंटी मुकेश अंबानी बनेगा सोच के मैं यहाँ दूसरी बीवी को लेके सेटल हुआ। उसके मुकेश अंबानी बनने के लिए मुझे धीरू भाई अंबानी बनना था। उसने 10 रुपए में शेयर बेच के करोड़पति बना था। अब मेरा मोंटी कहाँ है, किस हालत में है, कुछ पता नहीं। காம்ப்ளிகேட் பண்ணாதடா டேய், இன்னைக்கு நம்ம தலைவர் ரஜினிகாந்த் படம் ரிலீஸ். அண்ணா மார்னிங் ஷோ பார்த்துட்டு வராரு, அதுக்கப்புறம் அடிச்சுக்கலாம் என்ன? ஓகேயா? எஸ் கோபால் சாமி கே ஏரியா மே ஆகர் மேரி ஹி பேன் கோ லைன் மார்த்தா சாலா யே குத்தா. ஆமா மார்னிங் ஷோ கேக்குறடா, கிளைமேக்ஸ் காட்டுனா கொய்யால भैया, इस तरह फाइट करते रहोगे तो आधी फिल्म निकल जाएगी। टाइटल्स तक नहीं मिस करूंगा मैं। मैं एक मारूं या 100 मारूं, एक ही फीलिंग है।
आता जाए आता ये गुंजा तो ऐसे की ताली लुटे सताए वही 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 भैया रे वही 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 भैया रे वही 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 तेरे देखते ही बोलते ही चलते हुए आते ही काबू का दुश्मनों का तांता थोड़ा खास फिदा मास फिदा यूस फिदा जल के सदा जग में तेरा बजता जाए डंका ताई वाह 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 ताई वाह 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 ताई वाह 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 ताई वाह टोली टोली परवाने अनजाने कितने हैं गली गली दीवाने वही 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 भैया रे वही 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 भैया रे वही 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 तेरे संत कहे सब ये सफलता का बन के रहे सदा सदा तू ही बड़ा फंडा दुश्मन कभी नजर की खतर की दिल से ही फर्क का रहे तेरा झंडा ताली वाह 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 ताली वाह 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 ताली वाह 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 ताली वाह दे दे दिल तुझे हर बच्चा लगे हर फन तेरा अच्छा दे दे दिल तुझे हर बच्चा लगे हर फन तेरा अच्छा ताली वाह 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 ताली वाह 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 ताली वाह डे अब हुआ क्या है क्यों रो रहा है तुम वैसक जा रहे हो ना मैं यहाँ अकेला पड़ जाऊंगा भैया डार्लिंग तू समझ नहीं रहा 12 सालों से गुड्डी वहां मेरा इंतजार कर रही है तू इतना दुखी हो रहा है तो वो कितना दुखी हो रही होगी ये मत भूलो गुड्डी से ज्यादा तूने मेरे साथ दिन गुजारे हैं तेरे साथ रहा हूँ लेकिन गुड्डी से दूर रहा हूँ नहीं समझते गुड्डी से मिलने के बाद तुम आ जाओगे ना अरे आ जाऊंगा वहां मेरा क्या काम है फिल्म के 50 डेज के फंक्शन में यहाँ ठीक है जाओ घर जा भैया ए ओवर एक्टिंग मत कर बे तेरी तो जाओ उठ ले तुम्हारी बॉडी में ब्रेन नाम का एक पुर्जा है ना उसे चलाओ है ना उसे थोड़ा चलाओ गोदावरी कब आएगी आ? क्या गोदावरी गोदावरी सीधा जाके दाएं तरफ मुड़ जाओ वहाँ इंक्वायरी काउंटर है वो तुम्हारे लिए बना है जाके पूछो हाँ मैं क्या तो बोकारो एक्सप्रेस कब आएगी कुछ आइडिया है नहीं जानता जानता तो अभी नहीं बताऊंगा क्या करोगे क्या करोगे ऐसा घूरता क्या है मारोगे मारो शक्ल देख के बात क्या करो मुझे पात पेसदा डे मुंजा अबे ओए मोंटी मोनी ए मोंटी अबे बचपन में घर से भाग गया था अभी भी लौट रहा है घर गया था आते ही पहले मुझसे मिल रहा है आगे तेरी लाइफ में 4 साल लग गए हुई है अच्छा आजकल तू क्या कर रहा है सत्या अब मेरा नाम सत्या नहीं बे टोक्यो नहीं तूने अपना नाम क्यों बदल दिया सिर्फ नाम ही नहीं अपना रेंज भी बदल गया है अब मेरा पूरा बिजनेस चाइना जापान मलेशिया सिंगापुर में है एकदम इंटरनेशनल बिजनेस करा चलो चाय पीते हुए बात करेंगे रहने दे यार घर पहुंचते ही गुड्डी मुझे गर्मा गर्म चाय पिला अबे चलना यार अरे नहीं यार पीना ही पड़ेगा अरे रहने दे अरे पीना ही पड़ेगा देखो जल्दी चलो 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 यहाँ से भागते हैं क्यों अरे छोड़ना बाद में बताऊंगा चलो ओ चलो चलो बंधु भागो इससे भागने के बजाय इनकी धुलाई क्यों नहीं करे अरे नहीं यार भागने में ही भलाई है अबे उनके बारे में तू नहीं जानता
अरे बाप रे, ये पूरा बेड़ा घर कर रहा है। क्या बात है? रुक जा भाई, रुक। अकल का अंधा। उधर जा, ये बेल्ट लेके जा। अबे उनसे पंगा मत लेना। क्या है बे? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये कौन ही तूने जानता? कोई भी होने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? तोड़ते वक्त ये कौन है क्या है ये नहीं देखता हूँ, सिर्फ तान है। हेलो हेलो, कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम, हमें और फोर्स चाहिए, जल्दी फोर्स भेजिए, हम डॉकयार्ड में है। अरे भाई कौन हो तुम? पुलिस वाले हैं, सबसे बताना चाहता था, सुने बिना तू धोता रहा। तुझे ये लोग क्यों भगा रहे थे? आखिर तू करता क्या है, बोल क्या करता है? ये देखो स्मगलिंग। आप अबे 420, यही तेरा टोक्यो वाला बिजनेस है? ए, पुलिस में हाथ उठा दे, चल चल। जेल के अंदर मोबाइल फोन कैसे आया? पूछ रहा हूँ ना, कैसे आया? बोल बोलना। अबे तू राजनेता है या गुंडा है, बोलना। अबे बोल। सब कुछ ठीक है बंधु, लेकिन प्लेटों में चमक नहीं। प्लेटों में चमक नहीं, बेवजह रेलवे स्टेशन में तेरे साथ बात की मैंने। चाय पीले बोल के फंसा के अब देखो जेल की रोटी खाना पड़ रहा है। सर सर सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। क्या बात है? बिना वजह अंदर आके फंस गया हूँ, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ तो ही नहीं, यहाँ जितने भी कैदी है किसी ने भी कोई गुनाह नहीं किया, हमें चर्बी चढ़ गई है कि सबको अंदर डाल के हम पाल रहे हैं। ऐसा नहीं है सर। हाँ? आप अगर परमिशन देंगे तो मैं घर जाके गुड्डी से मिलके वापस यही आ जाऊंगा। तो मैं जाऊँ। गुड्डी वो कौन है? गुड्डी कौन है? वो मेरी दिल की धड़कन है सर। ऐसी धड़कने मेरे पास 10-10 हैं और उन्हें देखने के लिए मेरे पास जरा भी फुर्सत नहीं है। उल्टा सो जाओ। ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं। बातें चाहे जो भी हो, बाहर जाने के सपना मत देखो। हेलो, कल मैं बाहर जा रहा हूँ, शरीफ आदमी हूँ इसलिए आपको बता के जा रहा हूँ। यानी भाग जाओगे? जेल से भाग जाओगे? मुझ जैसे जेलर के होते हुए तू मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि तू जेल से भाग जाएगा? अरे तेरी ये मजाल। साधु कौन ये? साले ने 10-15 पुलिस वालों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। सब हाथ धर के बैठ जाएंगे। खाल खींच लूंगा। क्यों बे, तू जेल से भाग जाएगा? ना कौन है तू? तो लड़की के लिए 12 साल का वनवास खत्म करके आ रहा है, क्यों? वनवास नहीं, चेन्नई वास। सुन बेटा, वहां जाके खेल, हमें बात करने दे। खेलने के लिए कह रहा है? मैं क्या बच्चा हूँ? अपना ही आदमी है, बोल। इतने साल चेन्नई में रहकर क्या कमाया तूने? क्या कमाया? कुछ नहीं कमाया। गुड्डी के साथ रहने के लिए पैसे नहीं चाहिए? चाहिए, लेकिन क्या करें। कितने चाहिए? ये कोई 5 लाख, 10 लाख या 12 लाख से भी काम चला लेंगे। क्यों, तू देने वाला है क्या? 1 करोड़ देंगे। मर्डर करेगा? गुड्डी और तू ऐश कर सकते हो। देखो डार्लिंग, पैसों के लिए किसी को जान से मारना गलत बात है, लेकिन करोड़ की बात करता है तो अब टेम्पटिंग जरूर है। वो गुड फेलो है या बैड फेलो है? हमारी तरह गुंडा है। तो फिर ठीक है, ऐसे लोगों को मारने के लिए कोई फीलिंग्स की जरूरत नहीं है। कहाँ है वो? वो सब बाद में बताएंगे। अगर तू जेल तोड़ने में कामयाब हुआ तो ये कॉन्ट्रैक्ट तेरा, यही तेरी क्वालिफिकेशन है। विजयवाड़ा हाईवे के शेरे पंजाब ढाबे में हमारा वकील आके तुमसे मिलेगा। मोंटी, तुझे डर है तो बता, मैं क्या डालता हूँ? ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, इसे भी उड़ा देना। इसे मारने के लिए पैसे किस लिए? इसे तो मैं फ्री में मार सकता हूँ। बंधु चुप, साले चुपचाप घर जा रहा था, इस साले ने स्मगलिंग केस में फंसा दिया, अब मर्डर केस में फंसने वाला हूँ। कल जेल से भागूंगा तो सर पे वो केस भी आ जाएगा। इस बीच पता नहीं गुड्डी कहाँ है। कहाँ जा रही है? मामा आज मैं विशाखापट्टनम जाने वाली हूँ। किस लिए? मोंटी से मिलने के लिए। अरे अब तक वो आ गया होगा। तेरी डैडी जान गए तो टांग तोड़ देंगे। माँ
डैडी को किसी तरह मैनेज करो माँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ, प्लीज। आगे कहाँ जा रही हो बेटी? उस मॉन्टी की तलाश में? वो लौट आया भी या नहीं तुझे पता है? घर छोड़ के भागने वाला बेवकूफ, उस दिन वो भाग गया था, अब तू भागना चाहती है? क्यों बेटी, कभी मैं तेरे साथ बाप की तरह पेश आया, फ्रेंड की तरह पेश आया हूँ? मेरी जज्बात का फायदा उठा के उस मॉन्टी की तलाश में जाना चाहती है? ये मत समझना रियल एस्टेट के सिवा मैं कुछ और नहीं जानता। इसने बस यही सोचा कि इसे ज्यादा सोचने का मौका मत दो, नहीं तो ये तुम्हारी सोच पर पानी फेर देगी। बंधु, हम क्या सब्जी वाली गाड़ी से बच के निकले? बहुत चीप लगेगा। हम कौन सा कास्ट ले हैं? नहीं है तो फिर चलो। अच्छा, कोई बच के नहीं जा सकता। देखा, खाली कैन को भी इस कदर सावधानी से लेके जा रहा है तो ये बेवकूफ मुझसे कितना डरता होगा। मेरा सिक्स सेंस मुझे कोई चेतावनी दे रहा है। यहाँ क्या खुजर फुजर हो रही है? जेल तोड़ने का प्लान बना रहे हो? सच सच बताओ वरना खाल खींच लूंगा। बता बता, तू बता रहा क्यों नहीं? जान से मार डालूंगा। कम ऑन सच। लगता है वही भाग गए। अगर वही है तो हमारा सिलेक्शन सही निकला। नमस्ते आंटी। नमस्ते। आप हेमलता जी है ना? हाँ बेटी। मोंटी आ गया है क्या? मोंटी? कौन मोंटी? आपका बेटा आंटी, वो जो बचपन में भाग गया था। लेकिन तुम कौन हो? आपने मुझे पहचाना नहीं आंटी। हाँ। मैं पड़ोस में रहती थी, गुड्डी। गुड्डी हो? हाँ। सुनो जी, गुड्डी 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 आई है। तुम पास वाली गुड्डी हो ना? हाँ आंटी। कौन सी गुड्डी? हमारे पड़ोस में थी वही। हाँ, किस लिए आई हो? जी मैं मोंटी से मिलने आई हूँ। आजकल हम लोग हैदराबाद में सेटल हो गए हैं। डैडी का रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार है। मेरे भी घर का सौदा कर दिया। कब बेचने का प्लान है? मेरे इकलौते बेटे को पराया कर दिया तूने। अब वो कहाँ है, कैसा है, कुछ पता नहीं। उसे ढूंढती भी आई हो? निकल यहाँ से। ए, बाहर निकल, निकल बाहर। आंटी मैं बहुत दूर से आई हूँ। जितनी दूर आई उससे भी दूर चली जा। मोंटी आए तो। ए, मोंटी मोंटी कोई नहीं है यहाँ पे, निकल बाहर, निकल। चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज। मेरे कलेजे में तूने आग लगा दी, मेरे बेटे को मुझसे अलग कर दिया, अब क्या लेने आई हो? जाओ यहाँ से। गुड्डी आई है, गुड्डी अपने मोंटी से मिलने। आज सुबह विशाखापट्टनम सेंट्रल जेल से दो कैदी फरार हो गए हैं और राजीव। आपके ढाबे में टीवी तो नहीं है ना? नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हर बदमाश का चेहरा देखना पड़ता। हाँ, आप ही तो अकेले। हाँ। चलिए बैठिए, खोलिए। पूरे 10 लाख और सेलफोन। मेरा नाम है राजेश, एडवोकेट। मेरा फोन नंबर भी इसी में है। हैदराबाद कब आ रहे हो? क्यों? काम वहीं करना है। 2 दिन बाद आ जाऊंगा। पहुंच के फोन करना। क्यों, तू नहीं करेगा? मुझे ही करना होगा। तुम्हारा कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा। फिर भी तू ही फोन करेगा, मैं नहीं करूंगा। तेरा सनग्लास मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कपड़े अच्छे नहीं लेंगे तो मुश्किल होगी, रहने दो। मधुबन में राधिका नाचे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। बरसों बाद भी इसने अपना गाना नहीं छोड़ा। अबे वो तेरा घर ये नहीं है? ए, एक गुड्डी का घर है यार। गुड्डी कोई नहीं, गुड्डी का घर कभी नहीं छोड़ेगा। गुड्डी ए गुड्डी अभी आएगी देखना। कौन हो, क्या चाहिए? क्यों गुड्डी तू ऐसी होगी? गुड्डी? गुड्डी कौन? मैं हूँ गुड्डी, तेरा मोंटी। माँ, कोई मोंटी आया है? यहाँ पे गुड्डी बुड्डी कोई नहीं रहती, हम लोग यहाँ बरसों से रहते हैं। अरे ये गुड्डी नहीं है, अब क्या करें? अरे इनके मुंह क्या लगना है अपने बाप के पटल। अरे नहीं, वो मुझे मारेगा। अरे मेरे होते हो तुझे कुछ नहीं होगा, चल चल ना, चल। प्रभाकर जी, प्रभाकर जी। यस, प्रभाकर हियर। आपने मुझे पहचाना? नहीं, कौन हो तुम? वो अपना मोंटी है ना? मोंटी? मैं मोंटी का क्लासमेट हूँ, बचपन में यही खेला करता था। आप कभी कभी चॉकलेट भी देते? जब मैंने अपने बेटे को चॉकलेट नहीं दिया तो तुझे कब दिया होगा? अरे क्या अंकल, आप दारू पी के यहाँ पड़े रहते थे और आंटी किचन से बेलन ला के आपके सर पर मारती थी। बहुत मार खाए हैं। अंकल, यहाँ पास वाले घर में गुड्डी रहती थी, वो लोग आजकल कहाँ पता है? अबे चुप, उसका नाम मत ले। उसी की वजह से मेरा बेटा भाग गया। अगर वो यहाँ रहते तो उनका सर फोड़ देता। घर छोड़ के चले गए इसलिए बच गए। तो फिर कहाँ गए कुछ मालूम है आपको? वो जहन्नम में जाए मुझे कोई मतलब नहीं। तो फिर हमारे साथ जन्नत चलिए। वो क्या है? ये लो। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज मेरा मोंटी मेरे पास होता तो तुम्हारी तरह खूबसूरत तो नहीं लेकिन इतना बड़ा जरूर हो गया होता। पता नहीं वो कहाँ चला गया, मैं तो अकेला पड़ गया। अगर वो मेरे साथ होता तो मेरा खर्चा चुकता हो गया होता। प्रभाकर जी, कर्जे कितने होंगे? यही कोई 4-5 लाख होंगे। क्यों रे? हाँ समझ गया,
अंकल जी फिलहाल ये 10 रख लीजिए। 10 कह रहे हो? 10 ये कितने बेटे? 10 माने 10 लाख रुपए। कोई बात नहीं रख लीजिए, क्यों समझ लीजिए अपने मोंटी ने ही आपको दिया है। जब तुम लोग इतने अच्छे हैं तो मेरा बेटा मोंटी कितना अच्छा होगा। बच्चों आज तुम दोनों को मेरे साथ ही रहना होगा। चलो मेरे घर चलो बेटे। चलता हूं। चलो। लेकिन एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए अंकल। पूछो बेटे। पास वाले घर में जो गुड्डी थी ना, इस खुशी के मौके पर उसका नाम क्यों लेते हो? मेरे साथ घर चलो बेटे। ये मच्छरों का संगीत बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो जी कोई आया है, जाके देखो कौन है। एटलीस्ट मेरा फोन नंबर तो ले लीजिए। शर्म नहीं आती है तुझे? चल भाग भाग यहाँ से। देखो फिर कभी मेरे घर के आसपास मत आना। तेरे माँ बाप को कह देना वो नजर आए तो काट के रख दूंगा। प्लीज प्लीज सुन, चड्डी पहनने की उम्र में हमारे बेटे को हमसे छीन लिया, अब तो पैंट पहन कर आई है। पता नहीं क्या क्या प्लान बना कर आई होगी। फोन नंबर लेके आई है? फोन नंबर क्या बात है अंकल, सुबह सुबह बिगड़ रहे हैं। सुबह सुबह वही चुड़ैल लाई थी, तुम पूछ रहे थे ना पड़ोस की गुड्डी। गुड्डी कहाँ है? तुम क्यों चौंक गए बेटा, वो तो मेरे मोंटी से मिलने आई थी इसलिए भगा दिया। मोंटी, तू मोंटी है ना? तू मेरा बेटा ही है ना? तू गुड्डी के पीछे जब भागा तभी जान गया था कि तू ही मोंटी है। हाँ बाबूजी, मैं आपका मोंटी हूँ। अभी तक क्यों नहीं बताया? कहाँ खो गया था तू? अपने बाप को छोड़ के क्यों चला गया था? वो मेरी भूल थी बाबूजी, मैं गुड्डी की वजह से चला गया था, ना कि आपसे रूठ कर। मोंटी, मुझे माफ कर देना बेटे, मैं तुझे समझ नहीं सका। गुड्डी से तू इस कदर प्यार करता है उसका एहसास मुझे आज ही हुआ। उस बच्ची को मैंने ही बुरा भला कहकर भगा दिया था। कोई बात नहीं बाबूजी, गुड्डी मेरी तलाश में यहाँ तक आई यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। कह रही थी वो हैदराबाद में सेटल हो गए हैं, उसके बाप का रियल एस्टेट का बिजनेस है। फोन नंबर दे रही थी लेकिन मैंने नहीं लिया। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं हैदराबाद जाके उसे मिलके आ जाऊंगा। फिर से मुझे छोड़ के मत जाओ। जल्दी आ जाऊंगा बाबूजी, मगर छोटी माँ से मत कहना। आ जाइए हैदराबाद जाने वाले पैसेंजर, आ जाइए अब ये बस खुलने वाली है। छे, तेरे बाबूजी को पहले ही पता चलता कि तू मोंटी है तो गुड्डी आसानी से मिल जाती। अरे छोड़ ना यार, हैदराबाद जाके मैं धनराज को ढूंढ लूंगा, तू फिक्र मत कर। फिक्र की बात नहीं, मुझे एक डाउट है, वहाँ पहुँच के उसके डैडी के बजाय गुड्डी से मिलोगे तो उसे पहचानोगे कैसे? अरे तुझे पता नहीं क्या, अगर मैं अपनी डार्लिंग को देखूं या वो मेरे आसपास कहीं आ जाए मेरा दिल जोर जोर से नहीं धड़केगा जैसे यार रहमान का ऑर्केस्ट्रा बजता हो ठीक उसी तरह। एक्सक्यूज मी, आप जरा हटेंगे तो मैं अंदर जाऊंगी। हम सीरियसली बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता, बैठ करो। ए अंदर पुण्य ना पाता, इधो இந்த இடத்துல டப்பாஸ் வெடிக்கும். ஹலோ, ஐ நீட் டு கோ. ஜா ஜா ஜா. कंट्री फेलोस। बंधु मुझे एक और डाउट है बंधु, गुड्डी की तलाश में जा रहे हो ना, गुड्डी से भी खूबसूरत कोई और लड़की मिल जाए वो भी तुम्हें पसंद आए तो क्या करोगे? मुझे गुड्डी के सिवा और कोई नहीं चाहिए। सपोज ए आर रहमान के ऑर्केस्ट्रा को भी शिकस्त दे जैसे कोई मिल जाए तो? हेलो सुनिए आंटी, मैं इस वक्त हैदराबाद जा रही हूँ, आप प्लीज मेरा नंबर नोट कर लीजिए। हजार बार बोलने के बाद भी तेरे में अकल नहीं आई चुड़ैल गई की। एक और बार तूने फोन किया ना तो तेरा सर फोड़ दूंगी, फोन रख। तंबी बस हैदराबाद कितने बजे पहुंचेगी? 6 बजे। अगर 6 बजे बस हैदराबाद नहीं पहुंची तो 6 बजे जहाँ भी हो तुझे बस में से बाहर फेंकूं। तिलाना तिलाना नीति तिकिनरत। सुनो बस में चढ़ते वक्त मुझसे बिगड़ने वाली तुम ही थी ना? सॉरी हाँ, इट्स ओके। तू उधर क्या देख रहा है, सामने देख। लगता है कुछ डिप्रेशन मेंटेन करते आ रही हो, अच्छा लग रहा है।
कुछ लड़कियों की रोनी सूरत अच्छी नहीं लगती, बहुत खराब लगती है। तुम पर ये जच रही है, तुम कंटिन्यू करो, बरकरार रखो इसे। ए बाबूलाल क्या कर रहे हो? फिल्म की सीडी लगाने वाला हूँ। कौन सी फिल्म? हिंदी फिल्म। हिंदी इंग्लिश को मारो गोली और रजनीकांत की फिल्म लगाओ। कल ही तो डाला था बादशाह। कल बस में मैं नहीं था ना। तो क्या हुआ, अपना भी कोई रूल है? अरे बाबूलाल, हाँ, पीठ में चलती हुई वोल्वो बस के कांच वांच तोड़ते हुए तुम बाहर उड़ रहे हो, ऐसा कभी महसूस हुआ है? महसूस करोगे? बादशाह लगाओ यही चाहते हो ना? लगा। वहां देख, तुम देखना रजनीकांत की फिल्म है और सो रहा है। ए, सामने से आ जल्दी निकल। क्यों बे, रॉबरी है? हाँ रॉबरी। वहाँ एक रजनीकांत है, यहाँ एक रजनीकांत है, बस में दो दो रजनीकांत होते हुए रॉबरी ऐसे करोगे बे? मैंने पहले जो कहा था ना, ये वही फीलिंग है। कमाल कर दिया। थैंक्स। यू आर वेलकम। भाई चलो ढाबे में चलकर रोटी खा लेते हैं। अच्छी होगी। तुम्हारे फाइट की तरह मस्त होगा। तो फिर चलो। चंगड़ू दो प्लेट चिकन मसाला रोटी। हाँ दो प्लेट रोटी। गुड्डी भाई साहब कहाँ है गुड्डी? झुमले
झुमले झुमले झुमले रे झुमले झुमले bring it on come to me oh my darling come to me झुले रे bring it to me baby love bring it to me baby girl coming in and coming you all coming to my little world turn around and shake it shake it turn around and shake it shake it day and day I love you day and day I love you mama mama chitty believe in what I say I love you from before and then I love you till today mama mama oh mama chitty don't ever be apart I don't ever never will I ever check you from my heart chitty you're my pretty woman chitty you're my chitty woman chitty you're my pretty woman chitty you're my chitty woman chitty you're my pretty woman chitty you're my chitty woman chitty and every time I never see you I'm gonna chitty 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 चकोर तू ही चंदा तू रखेगी मुझको जिंदा कोड़ी तू जो अब जोड़ी सारी दुनिया ही उड़ी गुड्डी आई रे आई रे आई रे प्यार आई रे आई रे आई रे गुड्डी आई रे आई रे आई रे प्यार आई रे आई रे हेलो थैंक यू सो मच कोई बात नहीं आपका नाम क्या है रजनी खा नाइस मीटिंग यू ओके बाय अच्छा बाबूलाल अच्छा भाई मेरे लाख मना करने के बावजूद तू वैजाग हो आई ना चलो सफर अच्छा रहा अच्छा नहीं था तो तू कुछ करेगा ये सब छोड़ और मतलब की बात कर मॉन्टी मिला क्या नहीं अब देखो रॉन्ग प्रॉपर्टी खरीद सकती है और लिटिगेशन प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है अगर साइट है पर उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं तो कुछ ना कुछ गोलमाल किया जा सकता है लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स है पर साइट नहीं है तो कोई क्या कर सकता है तेरी मॉन्टी की बात भी बिल्कुल वैसे ही है तू हमारी बात सुनकर बैठेगा या फिर गाड़ी भी चलाएगा हेलो सच में ओ गॉड मैं भी वापस आ रही हूँ लक्ष्मी जी ये लड़का कैसा है देखो ओके कोई खास नहीं है लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है हाँ? अब बोलो ये लड़का कैसा है लड़का बहुत अच्छा है जी। ना हाँ? अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बल्कि पार्ट टाइम में अमेरिका में रियल एस्टेट का धंधा भी करता है अच्छा? अमेरिका में रियल एस्टेट का धंधा इसीलिए मैं टेम्प्ट हो गया इसके मामले में साइट और डॉक्यूमेंट सब क्लियर है गुड्डी ने हाँ कर दी तो फॉरन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा लेकिन मॉन्टी की खबर मिलने तक गुड्डी मानेगी तब ना ये मॉन्टी गुड्डी कहाँ है साइट पर कोई जबरदस्ती कब्जा करे तो उसे कैसे खाली करवाना है ये भी मैं जानता हूँ गुड्डी कहाँ है दीदी अपने बेडरूम में है ऐसे बेकार के सपने देख देख कर ही लड़कियां बिगड़ जाती है क्यों बेटी सपने में मोटी ही था ना अगली बार सपने में आए तो मुझसे मिलवा देना मुझे उसे बात करनी है किस लिए समझती क्यों नहीं बरसों से लंदन में पढ़ाई की एमबीए किया है अभी तक पड़ोस के मॉन्टी के नाम जाप रही हो कहाँ है वो उसे बुलाओ सामने आने के लिए बोलो इसीलिए तो उसका पता लगाने के लिए मैंने संजू को भेजा था मिल गया वो आ गया कहाँ है वो है तो आएगा ना देखो बेटी अच्छे घर के लिए अच्छे फाउंडेशन चाहिए पति को चाहिए उसकी पत्नी से प्यार करे और उसके साथ ही रहे उसे भरोसा दिलाना चाहिए कि सुख दुख में कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा तब जाके एक अच्छा घर बनता बेटी एग्जैक्टली यू आर राइट अंकल आज तक मैं नहीं जानती थी कि मैं उसे प्यार क्यों कर रही हूँ अब आपके बताने के बाद मैं जान गई इतना भरोसा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मैं जब इतनी सी थी तभी से उसने दिया था मुझे शेर है मेरे बच्चे लेकिन जेल में है 6 साल से जेल में है सोचता हूं तो मेरा खून खौल उठता है छी वो दोनों जब साथ में नहीं होते तो लगता है मैं अपाहिज हो गया होता
ठीक है, उन दोनों को कब छुड़ा के ला रहा है बता, कब छुड़ा के ला रहा है? ये काम जितना समझ रहे हैं उतना आसान नहीं है। जेल के कानून बहुत सख्त हैं। अगर जेल में आपके बेटों का व्यवहार अच्छा रहता तो किसी भी 15 अगस्त को मैं उन्हें छुड़ा देता, लेकिन जेल में कैदियों के सर फोड़ रहे हैं आपके लाडले बेटे। तुम्हें ड्यूटी बजाने की जरूरत नहीं, मैंने इसे मंत्री बनाया तब जाके तुम्हें ड्यूटी मिली है। सिर्फ मेरे बच्चे ही नहीं, मैंने भी बहुतों के सर फोड़ दिए थे पिछले इलेक्शन में, शायद तू भूल गया है। मुझे कानून का पाठ मत पढ़ा, तू क्या करेगा कैसे करेगा मुझे पता नहीं। आने वाले 15 अगस्त को मेरे बच्चे मेरे साथ होने चाहिए। सॉरी। कोई बात नहीं, मैंने जो सॉरी बोला वो तेरे गाल पे चांटा मारा उसके लिए समझ रहा है? नहीं, 15 अगस्त को मेरे बच्चों को नहीं छुड़ाए तो मैं तेरे खून कर दूंगा ना उसके लिए। तू बीवी बच्चे वाला आदमी है मैं जानता हूँ, उनको मैं अभी एडवांस में बोल रहा हूँ। सॉरी, जाके काम कर। चलता हूँ। ठीक है ठीक है, नमस्ते। शिवा भाई को मारना है, वो मेरी जिंदगी का मकसद है। उसे मारने की बहुत कोशिश की मैंने, अफसोस नहीं मार सका। उसकी लाश देखने को कोई भी कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं। फिकर मत करो डार्लिंग, सब मैं देख लूंगा ना। निकाल, हाथ निकाल। मंगल सिंह के बारे में तू नहीं जानता। ये साला मंगल सिंह कौन है? ए, इसे कुछ बताया भी नहीं लाया क्या? यही मंगल सिंह की है। सॉरी डार्लिंग। ये बताओ, ये शिवा भाई और तुम्हारे बीच क्या दुश्मनी है? नहीं बताऊंगा, हमारे बीच राग दुश्मनी होगी, उससे तेरा क्या मतलब? तू उसे मारेगा कि नहीं? मारूंगा। शिवा भाई को जानता है? उसे कभी देखा भी है? ए, इसे एक बार शिवा भाई को दिखा दे। Hey, एक चाय लेकर आ। उस मंगल सिंह के साथ मिलकर तू भी ड्रामा कर रहा है ना? मेरे लड़कों को परेशान मत करो कहा था, मेरे रियल एस्टेट के धंधे में टांग मत अड़ाना कहा था, पर तू नहीं माना। जाके मंगल सिंह से बोल देना, जिस दिन उसके लड़के जेल से बाहर आएंगे मारे जाएंगे। जब तक जेल में है महफूज हैं। ए, इसका सर्विस रिवॉल्वर लौटा दो। पुलिस वाले मुझे पसंद हैं, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। जा निकल जा। ए, 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 गोली क्यों मारी? पुलिस इसीलिए छोड़ दिया था ना? ये साला आप पर निशाना लगा रहा था भाई। लगाया तो? गोली मारोगे? गोली मारोगे? ए, ले जाओ इसे हॉस्पिटल ले जाओ। ए, ए, रुको 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 रुको। हॉस्पिटल इंक्वायरी प्रॉब्लम। मार दो साले को। अरे बाप रे, इसे मारना है? हाँ। 1 करोड़ का सुपारी देके मुझे बनारसी पान बनाया तुम लोगों ने, मुझे फौरन 5 लाख चाहिए। अभी अभी तो 10 दिया था। पहले इसे देखा नहीं था ना? देखता तो 50 मांगता। देखा कैसा आदमी है। अरे 5 दिला देना भाई, तभी भेजा काम करेगा। क्या कहा? और रुपया मांग रहा है? क्यों मांग रहा है? पैसे नहीं मिले तो भेजा काम नहीं करेगा बोल रहा है। ठीक है, सवेरा प्लाजा आने के लिए बोलो, उसे मेरा नंबर दो। सवेरा प्लाजा जाके तू इंतजार कर, विजय भाई पैसे लेके आएगा। विजय कौन है? मंगल सिंह जी के बेटे। रुको 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 रुको, एक छोटी सी क्लैरिटी, 2 जेल में है, ये तीसरा है, इतना ही है ना? हाँ। ओके ओके, तू रियल एस्टेट धनराज को जानता है? नहीं जानता। क्यों? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो बाय। यहाँ कोई रियल एस्टेट का दफ्तर है? मुझे नहीं मालूम। तुम रियल एस्टेट धनराज को जानते हो? नहीं जानता। ठीक है। हाय बेबी, हाउ आर यू? ए, तू कब आई लंदन से? कल ही आई। तो लंदन आने वाली थी, क्यों नहीं आई बोल?
आने का मौका ही नहीं मिला। कोई मजनू मुझे घूर रहा है। Just one minute, okay? Okay. Yeah? वो चला गया। सोची मुझसे मिलने आ रहा है। मैंने कुन को देख रहा है। तू बोल। So tell me what's happening? मेरी डार्लिंग आजकल इतनी बड़ी तो जरूर हो गई होगी। अगर इतनी भी हाइट हो गई है तो चलेगा। मिलते ही सीने से लगाऊं। मेरी जाने मन, मेरी जाने तमन्ना। लगता है कोई पागल है। कैसी है तू मेरी जाने बहार? स्टैचू से लिपट के प्यार कर रहा है। मेरी जाने वफा को भी यही ड्रेस पहना दूंगा। रेट कहाँ है? यहाँ है। यहाँ होगा। क्या कर रहे हो? स्कर्ट उठा के देख रहा हूँ। That's why I'm asking. तुम्हारा तो नहीं उठाया ना? What? क्या मतलब है तुम्हारा? तुझे तो कुछ नहीं किया ना? तू खामोखा टेंशन क्यों ले रही है? तुझे कह रहे हो? What rubbish are you talking? Don't you have any respect for women? Hello, madam. मैं तुझ जैसा कॉन्वेंट बेबी नहीं हूँ। चेन्नई झोपड़पट्टी। थोड़ी स्मेल आती होगी। बासी खाना जो खाता हूँ। What बासी? All double meaning dialogue. Sir, look at him. He's talking so much of bullshit. ऐसे लोगों को कॉम्प्लेक्स में कौन आने देता है? आप जाइए, मैं देख लेता हूँ। आप जाइए ना। मैं देख लूंगा। क्यों बे? लड़कियों को परेशान करता है, है? है? अच्छा है भाई, वोल्वो बस की तरह तगड़ा है तू। इस गाड़ी को देखा है? मेरा चेसिस नंबर जानता है तू? दिखा दूं? चार चार सिलेंडर हैं, इसुजु इंजन। हॉर्स पावर ज्यादा है। पावर नहीं, चर्बी ज्यादा है साले। यहाँ मार पड़े तो नस बाहर निकल आएगी। कस के पकड़ सकता हूँ। जिस नस को पकड़ के यहाँ से ऐसे उखाड़ू तो 100 मीटर की रस्सी बन जाएगी। बोल, उखाड़ू क्या? अबे छोड़ छोड़। अबे आवाज मत कर। अरे क्या है यार, मैं यहाँ आधे घंटे से इंतजार कर रहा हूँ और ये साला विजय अभी तक नहीं आया। मैं हूँ विजय। सॉरी डार्लिंग। सॉरी यार, तुम्हें पहचाने बिना नस उखाड़ रहा था। ये लो रुपए। थैंक्स डार्लिंग। कॉफी पी लो डार्लिंग। डार्लिंग, तुम रियल एस्टेट धनराज को जानते हो? ए संजू, तुम मोंटी के घर गई थी ना? हाँ। उसके माँ बाप ने तेरे साथ अच्छे ढंग से बात की? उसके माँ बाप ने इतनी गालियाँ दी कि गले में फांसी लगा के मरने को मन किया, लेकिन सारी गालियाँ तेरे लिए है सोच के मैंने लाइट ले लिया। छोड़ ना संजू, दुखी होने की वजह से कहा होगा। अच्छा संजू, मोंटी अभी बहुत हैंडसम हो गया होगा ना? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन बस में मुझे एक रियल हीरो मिल गया था, रजनीकांत। हाँ? उसने बस में जो फाइट की दीदी। हाँ। ए चुप हो जा, मैं मोंटी के बारे में पूछ रही हूँ, तू ना जाने किसके बारे में बोल रही है। मोंटी मेरे डार्लिंग, तू कहाँ है मेरी स्वीट हार्ट? तुम कहाँ हो? कम से कम फोन तो करो मेरे राजा। जिसे ढोली ढोली वह चीज मांगे मांगे, लव में वन मोर टाइम। नशा कैसा फैले फैले, ख्यालों से खेले खेले, खुशियों के रेले रेले, लव में वन मोर टाइम। ये मेरा है प्रेमी, what to do, दीवाना ही है ना, क्या करूं। मन जिसे गाले गाले, मन जिसे ढोले ढोले, वह चीज मांगे मांगे, लव मी वन मोर टाइम। नशा कैसा फैले फैले, ख्यालों से खेले खेले, खुशियों के रेले रेले, लव मी वन मोर टाइम। Say it now.
आए जरा खुलते खुलते होगा कुछ चलते चलते सुन साथी आ चल के नहीं नहीं रह अनजान क्या करूं मन जिसे गाले गाले मन जिसे डोले डोले वह चीज मांगे मांगे लव मी वन मोर टाइम नशा कैसा फैले फैले ख्यालों से खेले खेले खुशियों के रेले रेले लव मी वन मोर टाइम आप रेलवे से धनराज को जानते हैं? धनराज? हाँ नहीं मैं नहीं जानता हाँ तुम्हारे धनराज को कोई नहीं जानता कहीं से ये छुपती उठती जब कैसी छाई खुलती दिल लेके मोलती उसकी चंचलता जग सारा रोके रोके होली भरी आंखे आंखे लाखों को लूटेगी उसकी निर्मलता तू माने न माने what to do ये दिल की लगन है क्या करूं मन जिसे गाले गाले मन जिसे डोले डोले वह चीज मांगे मांगे love me one more time नशा कैसा फैले फैले ख्यालों से खेले खेले खुशियों के रेले रेले love me one more time ये मेरा है प्रेमी what to do दीवाना ही है ना क्या करूं मन जिसे गाले गाले मन जिसे डोले डोले वह चीज मांगे मांगे love me one more time ஆ ஜல்தி கார் அடடா அண்ணா நீங்களும் தமிழ் தானா ஆமாண்ணா சூப்பர் ஏக் தமிழ்நாடு ஸ்ட்ராங் டீ தே தோண்ணா ஓகேண்ணா அண்ணாக்கு ஏக் ஸ்ட்ராங் டீ அண்ணா தும் கப் சே யஹா ஹோ மை யஹா 10 சால் சே ஹூ ஆ யே கர் தோ ஷாந்தார் ஹை கிஸ்கா ஹை ஷிவ பாய் கா கர் ஹை பஹுத் பரா டான் ஹை வோ யஹி ரஹதா ஹை நஹி நஹி வோ தின் மே யஹா ரஹதா ஹை ராத் கோ கஹி ஔர் சலா ஜாதா ஹை அப்னி ரகேல் கே பாஸ் ரகேல் கே பாஸ் அரே ஆமாண்ணா அச்சா அண்ணா தும் கிசி रियल एस्टेट धनराज को जानते हो नहीं जानता सॉरी सॉरी நீங்க வேலைய பாருங்க हेलो बॉस यस सर चाय लाना ओके सर छोटू कहाँ हो ए छोटू छोटू वेयर इज माय चुआवा क्या चुआवा या जो लाल कमीज पहना हुआ है या छोटे कद का जिसके पीछे एक दुम भी है वही है ना वेयर इज ही ये मत बोलना कि वो डब्बे के अंदर है बोल दिया तो मार डालूंगी क्या मार डालेगी हा? कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था इसलिए डब्बे में बंद कर दिया छोटू आके मुझे चाट रहा था और मुझे चटोरे हरगिज पसंद नहीं कुत्ता है तो वैसे ही चाटेगा समझे रुको 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 ये कुछ अलग वैरायटी का है देखता हूँ ये कुत्ता है कि बिल्ली आखिर तुम्हारी बीमारी क्या है कभी स्कर्ट उठा के देखते हो कभी टांग हटा के देखते हो आई थिंक यू आर सम काइंड ऑफ अ पर्वर्ट क्या मुझे पराठा खा फिर मुझे पराठा खा तो उठा दूंगा चन्नी वाला गुंडा कौन है रे तू मुझे मार देगी मेरा साइज देखा है तूने तू इतनी सी है समझ में नहीं आ रहा तुझे मारू या छोड़ दूं चले सुनो फिर कभी चाटा ना तो जबान खींच लूंगा इसकी नहीं तेरी चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं हम क्या करें चाहे कोई मुझे जंगली कहे इसका चेहरा देखता रहूंगा तो लाइन कभी नहीं मिलेगी मनहोश कहेगी चाहे
कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। अरे सारी दुनिया जानती है कि तुम जंगली हो, फोन उठाने की फुर्सत नहीं है क्या? बड़े उठाने का काम तुम्हारा है। हेलो हेलो आंटी, मैं गुड्डी बोल रही हूँ। मोंटी वापस आ गया? इतना डांटने के बाद भी तुझमें लाज शर्म नहीं है? माफ कीजिए आंटी, मोंटी घर आए कि नहीं पता लगा। कहाँ ना फोन रख। कितनी बार तुझे? I'm calling from ICICI bank. बोली बोली। आपके नाम पर 5 लाख डिपॉजिट है। 5 लाख? यस मैडम, आपके नाम का चेक रेडी रखा है। बैंक में आएंगी तो सब समझा दूंगी। पहले आप नंबर लिख लीजिए। एक मिनट मैडम। हाँ अब बोलिए। 9989 5729 5729। हाँ इस नंबर का क्या करूँ? मोंटी नाम के लड़के ने आपके नाम पे ये डिपॉजिट किया है, वो इस नंबर पे फोन करेगा तो आपको चेक मिल जाएगा। ए चुड़ैल, तेरी नजर में मैं कोई बेवकूफ लगती हूँ क्या? मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। बेशरम कहीं के, रख फोन। कहती है ऐसी से फोन कर। किसका फोन था? और किसका? पड़ोस के घर की गुड्डी का। मुझे फोन नंबर देके कहती है मोंटी से फोन कराओ। पता नहीं क्या समझ रखा है, जम के टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। बाजों का रोड है, छुट्टा कर लेता हूँ। मोंटी का फोन नंबर तुम्हारे पास है? वो हैदराबाद में है ये जानता हूँ, लेकिन उसका नंबर मेरे पास नहीं है। अभी अभी मुझे उसकी गुड्डी का फोन नंबर मिला है, इसे किसी भी तरह मोंटी को देना होगा। गुड्डी ने नंबर दिया है? तुम फिक्र मत करो अंकल, मैं सीधा हैदराबाद जाकर उसको ये नंबर दे देता हूँ। ओके सुनो अंकल, हम हमेशा उसको मोंटी मोंटी कह के पुकारते हैं, लेकिन उसका असली नाम क्या है अंकल? बनवारी। बनवारी? ये सरासर नाइंसाफी है। क्यों? तुम्हें जो तुम्हारे बाप ने प्रभाकर जैसा शानदार नाम रखा है, तुमने अपने बेटे को बनवारी जैसा फर्नीचर नाम क्यों रखा? मेरे बाप ने मुझे अच्छा नाम रखा, इसी खुशी में मैंने उसको अपने बाप का नाम रखा, बनवारी। किसी भी तरह उसको पहुंचा दो। जाओ। हेलो गुड्डी है? गुड्डी एक मिनट। अरे गुड्डी कहाँ है देखना? शिवा भाई गुड्डी सो रही है जी। सो रही है। तुम लोग आपस में मिलकर ड्रामा कर रहे हो, मैं जानता हूँ। उससे मुझे फोन करने के लिए बोल। हाँ अच्छा। क्यों रे क्या हो रहा है? कहाँ तक पहुँचा? उसे कब मारने वाला है? आज रात को। हाँ आज रात को? हाँ था आज रात को मारने वाला है। किसे किसे मारने वाला है फिर से पूछो? सामने शिवा भाई है, कोई मामूली आदमी नहीं। उसे जाके इस लौंडे को आए 2 दिन भी नहीं हुए। ए तूने उसे शिवा भाई को ठीक से दिखाया? मैंने ठीक से दिखाया। क्या दिखाया कौन जाने। ए, किसे समझकर किस पर निशाना लगाया उसने? फिर से एक बार पूछो उसे। ए, अरे तू किसको मारने वाला है? और किसको? शिवा भाई को। कहाँ पे? मोहलाली के पास। शिवा भाई मोहलाली क्यों आएंगे? वो वहाँ जरूर आएगा, वहाँ उसकी रखेल है। उसकी कोई रखेल भी है? कि मैं क्या सुन रहा हूँ, हमें पता ही नहीं। उसने कहा तो वो सच होगा, उसे मत रोको। उसे एक ही बात कहना कि चूक ना जाए। भाई को मारना हो तो गन लेके आना चाहिए, ऐसे धारिये से काम नहीं चलेगा चिरकट। मेरे इलाके में आके मेरे ही बारे में पूछताछ करो और मुझे पता ना चले। मेरी कोई रखेल सुनते ही उसे सच मानकर मुझे मारने के लिए यहाँ चला आया सिल्ली पहलो। मेरी कोई रखेल नहीं है, लेकिन तू मेरे हाथों में फंस गया है। कहे तो यहीं टपका दूं, टपका दूं। क्यों बे क्या हुआ? शिवा भाई मिल गया है, लेकिन यहां जरा भीड़ ज्यादा है, आधा घंटा लग जाएगा। काम खत्म होने के बाद मैं खुद फोन करूंगा। अबे तू क्या अंधा है? 25 लोगों से घिरा है तो, और सामने शिवा भाई है। है तो डर नहीं है? वो क्या है? ए, तेरे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया? कुछ ढीला नहीं हुआ है, सब कनेक्शन ठीक है। मैं यहाँ आया हूँ तेरा फ्यूज उड़ाने के लिए। मैंने बहुत से लोगों को मारा,
लेकिन कभी किसी पागल को नहीं मारा। I hope you are not mentally retarded. Yes. Hey, टपका दो इसे। Hey, गोली नहीं, काफी दिलचस्प है, बिना गन के मारो से। hey, चाय बोल। Strong chai bol. Hey! आंखें खोल। अबे साले आंखें खोल, मेरी बात सुनाई दे रही है? हे, तू कमाल की चीज है यार। आई लव यू साले। अरे क्या बात, यह सब कैसे हुआ? रात को हमला हुआ साहब जी। शिवा भाई कहाँ? अरे शिवा, तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? मुझे कुछ नहीं हुआ, लड़कों की चोटें आई हैं। क्यों गुड्डी, अपने इस भैया से मिलने आई हो? हालांकि मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे कुछ होगा तभी मिलने आओगी क्या? लंदन से लौटे 10 दिन हो गए, एक बार भी मुझे देखने आई? मैं भी 4 साल से लंदन में अकेली थी, मुझे देखने भी कोई नहीं आया। अंकल तो गए थे ना, इसी वजह से मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ। इसे यहीं रहने के लिए क्यों नहीं कह रहे? अब आ गई है, यहीं रहने वाली है, यहीं रहोगी, बोलो ना। ए मदनपाल, तू काम। अरे तू क्यों नाराज है? उसे घर पे रखना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। किसकी बात कर रही हो? कल रात किसी ने भाई पे हमला किया। हाँ? उसे घर पे रख के ट्रीटमेंट करा रहे हैं। कहाँ कहाँ है वो? बेडरूम में, देखिए कैसे आराम से सो रहा है। ये? इसे तो मैं जानती हूँ। तुम कैसे जानती हो? 2-3 बार मेरा इसके साथ पंगा हुआ है, एकदम नक चढ़ा है, हमारा खून खौल रहा है। दीदी दीदी, मैंने बोला था ना बस वाला रजनीकांत, ये वही है।
ये ये रजनीकांत कैसे हो गया? दिखने में विलन लगता है। दीदी हम लोग इसे रख लेंगे ना। तू क्या बक रही है? यही रखेंगे ना दीदी। मदन पाल, इसे खत्म किए बिना घर पे क्यों लाया है? मुझे क्या पता, रात को भाई इसे आई लव यू भी बोल रहे थे। अच्छा, वाह वाह वाह, मदन पाल तुम कुछ भी कहो भाई, अगर इसे घर पे लाकर रखा है तो जरूर ये कोई प्राइम प्रॉपर्टी होगी। कैसे लेटा हुआ देखो। साधु, क्यों भाई का काम तमाम हो गया होगा ना? नहीं, शिवा भाई अभी मरा है। ये कैसे बोल सकता? शिवा भाई अगर मर गया होता तो जेल इतना शांत नहीं रहता। टीवी में ब्रेकिंग न्यूज आता और देश भर में उसी की चर्चा होती। पुलिस ऐसे इत्मीनान से नहीं रहती। वो अभी तक मरा नहीं है। ये दोनों भाई जेल में रह के बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन कुछ भी उखाड़ने लायक नहीं है। शिवा भाई चाहते तो इन्हें जेल के अंदर ही दफना सकते हैं। जानते हो अभी हैदराबाद में इनसे एक बच्चा भी नहीं डरता। इनके दिन भर गए हैं। जैसे ही जेल से बाहर जाएंगे समझ लो इनका काम तमाम। क्यों बे, तू तो हम दोनों से डरता है ना? ये मोंटी को ढूंढते ढूंढते मेरी जान निकल गई। चिल्लाता हूँ, मोंटी मोंटी, ए मोंटी कहाँ है तू? ए मोंटी, एक्सक्यूज मी, You want Monty? हाँ बिल्कुल, आप उसे जानते हैं? Monty, what a wonderful feeling. अरे क्या feeling, मेरी तो फटी है। Monty एक जोश है, Monty एक एहसास है, Monty एक आग है, Monty एक तूफान है, Monty एक सुनामी है, Monty एक कंकर है, कंकर? Monty एक पत्थर है, पत्थर? Overall Monty एक जलता हुआ चट्टान है जो कभी नहीं हिलता है। समझ में नहीं आया ना? 500 का पत्ता निकालो, बताता हूँ। Monty के लिए 500 क्या चीज है? लीजिए 1000 रुपए। वेरी गुड, शाम को 6 बजे रविंद्र भारती में आ जाना, वहाँ Monty को देख सके। वो वहाँ क्या कर रहा होगा? वो नहीं, Monty Feeling. Oh, I love you. शाम को 6 बजे रविंद्र भारती में आओगे तो Monty नाम का नाटक दिखाऊंगा। क्या? Monty कैरेक्टर की रचना मैंने ही की है। सर, मेरे 1000 रुपए? इन पैसों से केवल फकत 2 टिकट मिलेंगे, एक कोल्ड ड्रिंक फ्री। वहाँ काउंटर में आके मेरा नाम ले लेना, सरपराज काटरे। क्या नाम है? सरपराज काटरे। काटरे, थैंक यू। 1 सेकेंड, इस समय हेलो, दर्शक हमारे पास नहीं आएंगे, हमें ही उनके पास जाना होगा। Chase them, catch them, okay? Thank you. तरपराज काट रहे। रात से मैं उसका नंबर ट्राई कर रहा हूँ। स्विच ऑफ है। वो Monty दिखने में बच्चा जरूर लगता है, लेकिन इतने लोगों को अस्पताल पहुँचाया तो वाकई लौंडे में दम है। मुझसे गलती हो गई, अपनी तरफ से भी थोड़ा सा सपोर्ट देते तो वो शिवा भाई का काम तमाम हो गया होता। वकील जी, कहीं ऐसा ना हो उन लोगों ने Monty को ही खत्म कर दिया हो। ए, तेरा नाम क्या है बे? रजनीकांत। क्या? रजनीकांत। तो आया कहां से? चेन्नई। हिंदी या मद्रासी? हिंदी। तो फिर चेन्नई ऐसा क्यों बोला? बचपन में एक लव अफेयर के वजह से घर से भागकर 12 साल वहीं पर गुजारे हैं मैंने। लव अफेयर? किस उम्र में? कोई 11 साल का होगा। 11 साल की उम्र में लव अफेयर? उल्लू के पट्टे। बता तुझे किसने भेजा है? इसकी शक्ल से पता नहीं चल रहा है? मंगल सिंह ने भेजा है, देख तो। इधर ला। भाई मंगल सिंह का बेटा। बात करने दे, देखें क्या बोलता है। ओए स्पीकर ऑन करके बात कर, ज्यादा सियाणा बना तो गोली खाएगा। हाँ बोल। क्या हुआ? शिवा भाई को मार नहीं सका, बच गया साला। टपकाओगे कब? मौका मिलते ही टपका दूंगा। ठीक है, घर पे आके मिलना। नहीं हो सकता, अंडरग्राउंड में हूँ। अंडरग्राउंड यानी? अंडरग्राउंड यानी अंडरग्राउंड, मुझे भी मार पड़ी है, सालों ने टांग तोड़ डाली। फोन रख, बाद में करता हूँ। साला पगला क्या? ए, शिवा भाई कहो तो सारी की सारी मैगजीन इसके मुंह के अंदर खाली कर दूं। अरे मारना है तो मारना यार, इस तरह मेंटल टॉर्चर तो मत कर। मुझे मारने के लिए कितने की सुपारी दी है मंगल सिंह ने? करोड़ रुपए। यानी तू ये सब पैसों के लिए कर रहा है, वरना मेरी तुझसे तेरी मुझसे कोई दुश्मनी नहीं। वैसे तू प्रोफेशनल किलर नहीं है, मगर तुझ में दम है। तुझ जैसे को मरना नहीं चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। इसलिए बच्चू, ठीक हो जाने के बाद जाना चाहो तो जाओ, या मेरी गैंग में शामिल हो जाओ। तुझ जैसा जिगर वाला मुझे चाहिए। थैंक्स डार्लिंग। डार्लिंग किसे कह रहा है बे? बेवकूफ।
उसे जल्द से जल्द इस घर से भेज दो। तुम्हें कौन का मारे का पता नहीं। तुम्हारी गुंडागर्दी की वजह से हमारे माँ बाप चल बसे, मेरी भाभी मारी गई। इसीलिए तुम्हारे साथ रहने में मुझे डर लगता है। मैं लंदन से यहाँ तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूँ, मोंटी को ढूंढने आई हूँ। जैसे वो मुझे मिल जाएगा, हम लोग तुमसे कहीं दूर चले जाएंगे। ए! तू यहाँ क्या कर रही है? ये मेरा घर है बे। ए? मेरे भैया को मारने निकला था क्या तू? आराम कर, रात को चाकू घुसेड़। चाकू घुसेड़ेगी? अभी देख क्या करता हूँ। हे, हाय रजनी। ये ट्विस्ट कैसे? तो फिर वो चुड़ैल कौन थी? मेरी दीदी है वो। दीदी है? एक बात बताइए, ये मोंटी कौन है जो गुड्डी बोल रही थी? वो पहले जब हम विजाग में थे ना, तब हमारे पड़ोस में रहता था। गुड्डी और वो एक साथ ही खेला करते थे। पता नहीं 12 साल पहले वो घर छोड़ के भाग गया था। मोंटी, अबे मोंटी, तुम मोंटी को जानते हो? जानता हूँ। वो इसी एरिया में रहता है। हो सकता है, तभी तो ढूंढ रहा हूँ। मोंटी को जानते हो तो गुड्डी को भी जानते हो? क्यों नहीं जानता, उन दोनों को मिलाना ही मेरा लक्ष्य है। उसके लिए क्यों मारते हैं बाप? चिल्लाओ मत, पब्लिक फिल्म देख रही है। तो फिर मारा क्यों? मोंटी और गुड्डी के बारे में तुम क्या जानते हो? वो दोनों आमा प्रेमी है जी। तो क्या बीच में तू ब्रोकर है? दिखने में लगता हूँ, लेकिन मैं ब्रोकर नहीं हूँ जी। अरे वाह, मोंटी मेरा पड़ोसी था। मैं कौन हूँ जानते हैं? गुड्डी का पति। अरे बाप रे, गुड्डी की शादी हो गई? शादी हुई थी, काम तमाम होने से पहले वो मोंटी आके गुड्डी को उठा ले गया। फाल बे, मेरी गुड्डी का है। फाल, मैं भी मोंटी को ढूंढ रहा हूँ। फाल, 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 फाल। हाय, तुम्हें चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, दूध चाहिए, जो चाहिए मांगो, मैं दे दूंगी। अच्छा, ये सारी फैसिलिटीज हैं? रुको, अभी आया। मेरा फोन, अरे फोन कुड़गड़ा, वीट को फोन पड़नुंडा। डार्लिंग, जरा फोन देना यार, घर को फोन करना है। किसको फोन करना है? मेरे बाप को फोन करना है यार, दे देना। नंबर बोल। 0891। हेलो, हेलो, प्रभाकर स्पीकिंग हियर। बाबूजी, मैं हूँ मोंटी। बेटे, गुड्डी का फोन आया था। सच्ची? कब किया? उसने अपना नंबर भी दिया है। बेटे, वो तुमसे मिलने के लिए कितनी बेताब है, कितनी बेकरार है, पता है? बाबूजी, बाबूजी रुको, पहले उसका नंबर दो। हाँ, लिख लो। ए, पेन पेपर कुछ देना यार। अरे पेन देना। हाँ, यार नोट कर लो। अरे एक मिनट बाबूजी, पेन पेपर कुछ देना यार। बेटे, नंबर नोट कर रहे हो ना? रुको रुको रुको, हाँ मिल गया। बेटा। हाँ बोलो बाबूजी। 9989। हाँ, 5-7-2-9-9। लिख लिया? I love you बाबूजी। I also love you बेटा। Thank you बाबूजी। रखो रखो, मैं बाद में फोन करता हूँ। अबे ना, फोन किसे कर रहा है? टिप्पर लॉरी स्कूटर को टक्कर मारे तो कैसा लगेगा पता है? वैसा लगेगा मेरी मार पड़ने से। दे। You're coming tomorrow, no? Yes, of course I'm coming. Yeah, you're right. अरे कोई गाड़ी देना यार, कार बाइक कुछ भी चलेगा। अरे खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो तुम लोग? ठीक, किस उल्लू के पट्टे ने मेरी टांग तोड़ डाली? हेलो, नंबर बताने से एड्रेस दे सकती हो? सामने वाले काउंटर में।
हेलो, नंबर है, एड्रेस चाहिए। नंबर बताइए। 9989975799 तो गुड्डी का असली नाम मेघना है। सुनिए, एड्रेस तो खैर मैं ले लूंगा, कनेक्शन देते हो तो आप लोग फोटो लेते हैं ना, वो दिखा सकते हैं? दिखाइए प्लीज। तू ही मेरी गुड्डी है, मैं तेरे घर में रह रहा हूं। मेरी बहन को गुड्डी के नाम से क्यों पुकार रहा है? तुमसे एक बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्या हुआ बता दो। डार्लिंग, मेरी गुड्डी कौन है पता है? मेरी गुड्डी डार्लिंग वैजाग में मेरे घर के पास ही रहती थी वो। मैं मोंटी हूँ डार्लिंग। मोंटी, गुड्डी के लिए 12 साल घर से दूर रहा हूँ,
तुम्हारी बहन ही मेरी गुड़िया नहीं जानता था डार्लिंग। मैं तुम्हें मारने आया और लेकिन तुमने मुझे लाके अपने घर में रखा। आई लव यू डार्लिंग, आई सीरियसली लव यू डार्लिंग। गुड्डी कहाँ है? मेरी गुड्डी कहाँ है डार्लिंग? तू मुझे चाहता है ना? तुम बहुत अच्छे हो डार्लिंग। तो मेरी बात मानेगा? बोलो डार्लिंग। तो तू ही मोंटी है, ये बात गुड्डी को मत बताना। लेकिन क्यों डार्लिंग? मोंटी, बचपन से गुड्डी मुझसे नफरत करने की वजह से अंकल के साथ रही, कभी मेरे साथ नहीं। यहाँ की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मेरे पास आई है। तू ही मोंटी है, अगर ये बात वो जान गई तो तेरे साथ चली जाएगी। अगर वो कुछ दिन और मेरे साथ रहेगी तो शायद उसकी नफरत मिट जाए। एक गुड्डी के अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। तुम मुझसे नामुमकिन काम करने को कह रहे हो डार्लिंग। गुड्डी को देखने के बाद ये सच मैं छुपा नहीं पाऊंगा डार्लिंग। मेरी तकलीफ तो क्यों नहीं समझ रहा है? तेरे जाने के बाद तेरे पिता कितने तड़पे होंगे इसका एहसास है मुझे। सोचे समझे बिना तू तो उन्हें छोड़कर चला गया। अपनी गुड्डी के सिवा अपने पिता के बारे में कभी एक पल भी सोचा है तूने? अपने बाप को छोड़ के क्यों चला गया था? उसी तरह गुड्डी ने तुम्हारे सिवा इस भाई के बारे में कभी नहीं सोचा। वो मेरे सामने से जा रही है और मैं खामोश खड़ा देख रहा हूं, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए डार्लिंग। मुझसे सहा नहीं जा रहा। ठीक है, 12 साल गुड्डी के लिए रुका, अब तुम्हारे लिए 12 दिन रुकूंगा। उसके बाद मुश्किल है डार्लिंग। उसे मैं मोंटी हूं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कभी कभी छेड़छाड़ करूंगा। कैसी छेड़छाड़? अभी दिखाता हूं। हेलो, हु इज दिस? क्यों जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ बोलिए जी। ए, कौन है तू? सुनिए, मुझे गाना सुनाइए ना। मुंह तोड़ दूंगी, स्टुपिड, फोन रखो। यही है डार्लिंग, और कुछ नहीं करूंगा। लेकिन डार्लिंग, गुड्डी वॉइस इन द फोन ले एपड़ी इरुक तेरी मां, बाप रे बाप। संजू, गुड्डी को तुम भी मत बताना। जो काम मुझे सौंपा था मैंने कर दिया है। मंगल सिंह से बोल दो कि उनके बेटे रिहा हो गए। हाँ, आ जाओ मेरे शेरो। तुम्हारे आने से सबसे लड़ने की ताकत और सब सहने की हिम्मत आ गई मुझमें। तुम चाहे अंदर हो या बाहर, एक नाम कभी मत भूलना, शिवा भाई, शिवा भाई, शिवा भाई। हैदराबाद पूरा ध्यान मारा, कोई फायदा नहीं। मांटे, मांटे कहाँ है तू? मैं तो बेहाल हो गया हूँ। एक्सक्यूज मी, आप किसी मोंटी को? मोंटी मेरे दोस्त का नाम है जी, मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। वैसे आप वैजाग से हैं? हाँ जी, आपको कैसे पता? मोंटी यानी एमवीपी कॉलोनी की मोंटी? हाँ। प्रभाकर अंकल के बेटे? हाँ। और तुम सत्या? हाँ मैं वही हूँ। मैं हूँ गुड्डी। गुड्डी? हाँ। अरे बाप रे, ये कैसे चमत्कार है। मैं उसे ढूंढ रहा था और तुम मिल गई। तुम्हें एक बात मालूम है, मोंटी भी हैदराबाद आया हुआ है। सच बोलो? तुम हैदराबाद में हो जानकर तुम्हें ढूंढने के लिए वो आया है। उसे ढूंढते हुए मैं आया हूँ। तुमने उसके बाप का नंबर दिया था ना, वो उसे देने के लिए मैं भटक रहा हूँ। गुड्डी, तुम मोंटी को बहुत चाहती हो ना? वैसे तुम उसे मिले हो ना? मिले हो, पूछ रही हो? मैंने खुद ही उसे हैदराबाद की बस में चढ़ाया था। वो दिखने में कैसा है? उसका क्या कहना, अभी अभी शोरूम से निकले, गाड़ी की तो मस्त है। मोंटी ने क्या पढ़ाई की है, कंप्यूटर्स या एमबीए? तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो। मोंटी की हाइट कितनी होगी? मुझसे भी ज्यादा हाइट है, सॉलिड है वो। सत्या, तुम मुझे पहचानते हो ना? थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, क्योंकि पास की गैली में जो मास्टर जी थे ना, उनके 4000 बेटियां थी, इसलिए मैं हमेशा वहीं खेला करता था। थैंक यू सत्या, हम दोनों को मिलाने के लिए ही तुम आए हो। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगा। मोंटी, चुप,
तो मुझे अपना नंबर दो, आज से हम दोनों मिलके उसे ढूंढेंगे, ओके? डन। यस। डन। अरे मेरी गुड्डी, तू कहाँ है रे? क्या करिए? क्यों जी? कुछ बोलिए ना। I love you बोलिए ना। मुंह तोड़ दूँगी स्टुपिड। रखो फोन। दीदी मुझे एक डाउट है, हमारे घर में जो रजनीकांत रहता है ना, कहीं वो तो नहीं कर रहा है ये फोन? तो ये मुझे रॉन्ग कॉल करता है ना? रॉन्ग कॉल? ना रॉन्ग कॉल। अब भी बताती हूँ। ये मेरा नहीं है। बदमाश चोर। ए जी कुछ कहिए जी। I love you जी। कहीं सुना है? एक गाना गाइए जी। बदमाश कहीं का मेरे घर में रह के मुझे लाइन मारता है। चलो ना। अब क्या होगा? मदन पाल, कमरे में जो मद्रासी है ना, मैं उसका खून करना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता था। अब तुमने कह दिया ना, भाई के जाते ही खत्म कर देते। दीदी प्लीज। ए, भाई आ गए। ए, मदन पाल, भाई, सब मेरे साथ चलो। अब जाइए भाई, मैं पीछे आता हूँ। तुम लोग सब जाओ। ए, निकालो हथियार। आके सारे दरवाजे बंद करो। अच्छा, आज उस नंबर वाले को खत्म करेंगे। हाँ। ए, पड़ा पुरी है? तुम हथियार लेके क्यों आए हो? इतनी बड़ी तलवार? सब मिलके मेरा मर्डर करने आए हो? ये मुझे लाइन मार रहा है। मैम साहब को लाइन मारता है साले। ये तो बस एक नमूना था, जरा मेरा जूता तो देखो। अभी कोई आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगा। अरे मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं जाते वक्त अपने साथ कम से कम एक दर्जन तो ले जाऊंगा। मार डालोगे उसे? मार डालोगे? मार डालोगे उसे? मार डालोगे कमीनो? इसे इस हाल पे नहीं छोड़ोगे? गुड्डी, तेरे हाथ में तलवार है? जाओ, आउट, गेट आउट, अबे जाओ यहां से। ए सिल्ली फेलो, अपनी जबान पे लगाम रख, वरना ये तुझे जान से मार भी सकते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी स्टोरी बदल गई डार्लिंग। मेरी ही गुड्डी मेरा मर्डर करने निकल पड़ी है। क्यों रे, तूने कभी किसी का खून किया? नहीं डार्लिंग। दर्द तेरे की? तो फिर मेरा खून करने के लिए क्यों निकल पड़ा था? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है डार्लिंग। तू बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ है। करेक्ट डार्लिंग, इस बेवकूफी ने ही मुझे बचा के तुम्हारे घर पे छोड़ दिया। क्यों भाई के बलबूते तुम सब कुत्ते ज्यादा भौंकने लगे? एक एक को खामोश करता हूँ। इसी तरह एक दिन शिवा भाई को भी मारेंगे। शिवा भाई के आदमियों के जहां मिले वहीं टुकड़े टुकड़े कर डालो। ठीक से प्लान बनाओ, ऐसा मारो कि कभी ना उठे। वो मॉन्टी इस वक्त कहाँ है? மகள் வந்தாள். கே வந்தாள்? சல் देखते हैं। பொருள் கோடி தந்தாள். अच्छा तो ये है। பொன் மகள் வந்தாள் பொருள் கோடி தந்தாள் பூமேடை வாசல் பொங்கும் தேனாக। भैया बीच में कौन आ टपका है? भैया इसकी हरकत तो देखो। हां इसके मद्रासी खाने से मैं परेशान हो गई हूं। इस सांबार वाले को बाहर जाने के बोलो। क्या कहा सांबार? नहीं तो मुंह बंद रख के बैठने के बोलो। अरे मैं सांबार नहीं हूँ, तू ही दाल भाई है। चा बे मद्रासी। मद्रासी बोलती है? तू ही चीनी शक्ल वाली। अपनी औकात भूल कर अगर ज्यादा उछलेगा तो जान से मार डालूंगा। आज रिवर्स क्यों हो गए डाले? तुम लोग अंदर जाओ। रहने दो डाले, तुम्हारे मारने का मुझे बुरा नहीं लगा, तुम फिक्र मत करो। पता है मैंने तुझे क्यों मारा? गुड्डी ने आज पहली बार मुझे भैया कह के बुलाया, ये सुनने के लिए जाने कितने सालों से मैं तरस रहा। छोड़ो डार्लिंग, तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी। कहाँ है तू? अंडरग्राउंड में हूँ, बोला ना यार, फोन रख, बात नहीं कर सकता। इसकी तो ऐसी की तैसी। बोलो डार्लिंग। तुम्हारे आने के बाद कौन हो गया ये? गुड्डी जी हैं घर पे। वेट करो जी, तो कुछ दिन और यही रह जाए। हाय
सत्या। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने पेपर में ऐड दिया है। अबे मोंटी, तू जहाँ भी आ जा, गुड्डी वेटिंग। थैंक यू सत्या। मुझे पता नहीं मैं मोंटी से मिल भी पाऊंगी या नहीं। अच्छा, तुम दोनों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं है? फोटो यानी? फोटो तो है, लेकिन हमारे कैमरे में नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे? मेरे पास बहुत से प्लान्स हैं, चलो बताता हूँ, आ जा। पूरे 12 सालों से बिछड़ने के बाद मोंटी यहीं हैदराबाद में, ये जानकर उसे कहाँ ढूंढने, ये जाने बिना कैसे पता लगा, ये जाने बिना हमारे रेडियो मिर्चे में आए हैं मोंटी को अपने दिल की धड़कन मानने वाली गुड्डी, साथ में उनका दोस्त सत्या। ए मोंटी, कहाँ है तू? मैं हूँ सत्या, तू जहाँ भी है रेडियो मिर्ची एक बार सुन ले। तू गुड्डी की फिक्र मत कर, गुड्डी मेरे साथ है। अब ओए, गुड्डी से बात कर। मोंटी, वेयर आर यू? आज हमारी शादी की सालगिरह है। 5 साल पहले आज के ही दिन हम मंदिर गए थे। मेरी वजह से उसकी भाभी की मौत हुई मानकर गुड्डी मुझसे नफरत करने लगी। भाई, वो देखो, मंकी। हाँ भैया, वो शिवा भाई के साथ लग गया। ठीक हो गया। कम में कहीं के क्यों रे? वो दोनों जेल से रिहा हो गए, मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? जवाब दे। उसे छोड़ दो, रहने दो यार, चले दो उसे। ए, निपोड़ा। वो मोंटी शिवा भाई के पनाह में है। हाँ बाबूजी, कहानी में ये मोड़ कैसे आया? अगर वो ना होता तो आज शिवा भाई को मार दिया होता। पहले उसे फोन करके पूछे कि वो उसके साथ क्यों मिल गया। कैसे पूछेंगे, जब भी फोन करो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड कहता है। मुझे क्या पता कि हमारे लिए ग्राउंड बना रहा था। ऐसा लगता है कि करोड़ रुपए देके हम ही ने शिवा भाई को एक बढ़िया सा बॉडीगार्ड भेजा है। मैंने भी अनगिनत धोखेबाजी की है, मगर ऐसा कभी नहीं किया। ऐसे धोखेबाज को छोड़ना नहीं चाहिए। शिवा भाई से पहले इसका खेल बंद करना है। मंगल सिंह कहाँ है? पता नहीं भाई। जहाँ भी दिखाई देगा वहीं काट दूंगा, साले को बोल देना। अच्छा भाई, ठीक है। अब दरअसल तो मुझे अच्छे नहीं लगते। जानता हूँ तो। लेकिन अब अच्छे लगने लगे हो। सुना है तुमने मेरे भैया को बचाया, थैंक यू सो मच। अगर तुम नहीं मारोगी तो एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो। लेकिन तुम नहीं मारोगी? नहीं मारूंगी, बोलो। आई लव यू। ना उन्न कादल लिख रहे। कुछ तो जवाब दो, हाँ या ना, कुछ तो। हाँ बोलो दीदी, हाँ बोलो। अच्छी मूड में हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बच गया साला, तेरी आंखें फोड़ दूंगी। शक्ल तो देखो, ए तो गुंडा करती के ही लायक है। ओए मजनू, क्या हो रहा है? इधर आ रहे? हाँ डार्लिंग। वहाँ क्या कर रहा था? हम दोनों के बीच जो दीवार है उसे तोड़ रहा था। धीरे से उसे आई लव यू बोलवाने की कोशिश कर रहा था मैं। मेरी गुड्डी तुझे आई लव यू कह देती तो क्या करता, बोलना। उसकी जान ले लेता। क्या मतलब? तुमने सही सुना, उसके आई लव यू बोलने के अगले पल ही मैं उसे जान से मार देता। उसे मोंटी के लिए वेट करना है, मोंटी ही उसका शौहर है। इस बीच मुझ जैसे किसी लुच्चे को आई लव यू बोलेगी तो उसे जान से मारना है या नहीं? I am fully
कन्विंस्ड, तूने जो कहा 100% करेक्ट, कोशिश कर ले। आई अप्रिशिएट योर लॉजिक। मार, मार, मार दे साले को, उड़ा दे। उस मंगल सिंह के लड़के जहां भी छुपे हो उन्हें ढूंढ कर एक एक करके मेरे पास लेकर आओ। भैया क्या बात है गुड्डी? मैं और संजू चेन्नई जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? मेरी सहेली की शादी है। किसी को अपने साथ ले जाओ। ए रंगा। हाँ भाई। कोई नहीं चाहिए, हम ही चले जाएंगे। मेरी बात सुनो गुड्डी, मुझे धमकी मिली है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तुम्हें संभल के रहना होगा। संभल के रहना चाहिए तुम्हें, हमें नहीं। डार्लिंग मैं चेन्नई जा रहा हूँ, आपका कोई काम है वहाँ पे? ए सांबर, ज्यादा नाटक करने की कोई जरूरत नहीं, हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, हम खुद चले जाएंगे। तुम्हारी ये जो बहन है ना डार्लिंग, मैडम लड़कियों में हाई एंड मॉडल है, इसे समझाना आसान काम नहीं है। सॉरी। अच्छा सब रेडी है? सब तैयार है। उसे फोन किया? नहीं किया। जल्दी जल्दी करो। करता हूं। मैं 10 बजे तक ही घर से निकल पाऊंगी। ए स्टूपिड, मिस मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए वहाँ वक्त पर पहुँच जाना। ओके। अरे मुहूर्त का टाइम हो रहा है, आ गई। वेरी गुड गुड गुड, चलो चलो जल्दी 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 चलो जल्दी चलो आ जाओ जल्दी करो जल्दी चलो चलो चलो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तन्मये मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वजा मंगलाय मंगलाय तन्मये வந்துட்டாயா அண்ணா வந்துட்டா இப்போ பகல வெகுல விடுக்கு விட்டா கல்யாணம் கேக்குது கல்யாணம் யாருடா நீ मैं जो भी हूँ छोड़ना डार्लिंग, लेकिन ये शादी नहीं रुकेगी। என்ன नॉर्थ लेने आएंगे वंदा रेडिजमा? என்னடா என்ன नॉर्थ? नॉर्थ भी मेरा है और तमिलनाडु भी मेरा है। मैं टी नगर से अनजान नहीं हूँ, ना ही अन्ना नगर से अनजान हूँ। यहाँ की गली गली में घूमा हुआ टपोरी हूँ मैं। मंडप पेटे मलका पेटे नाइड पेटे पेटे रैप, तमिलनाडु मेरा है और रजनीकांत मेरा तलेबा। ए हिंदी कार नाय इंगे वंदे कलने पनी हो करिया। तमिल क्या हिंदी क्या डालेंग, लड़ाई तो एक ही है, लड़के देख आ जा। कट रहा ताली है बहनों। ए ए ए कट दे कट दे अरे कट दे कट दे। मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओ प्यार करने वालों के बीच दीवार मत बनो यार, उनका प्यार आजकल का नहीं है, बचपन से एक दूसरे को प्यार करते आए हैं, बचपन की फ्रेंडशिप है, उन्हें इस तरह अलग मत करो यार, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी ये मैं जानता हूँ। प्यार करने वालों को अलग करने का तुम्हारा मन कैसे करता है, उन्हें जीने दो भाई। अरे तुम क्यों इस तरह देख रही हो? एंडी वनकाग 12 वर्षमा सुत्ती सुत्ती वंदा கண்ணு முன்னாடியே கழுதை மாதிரி சுத்திக்கிட்டே இருக்கேன், ஆனா நான் தான் மாண்டின்னு உனக்கு தெரியவே இல்லை. வாய வேன்னு பொழந்துக்கிட்டு பாக்குறது மட்டும் தெரியும். அறிவு கேட்ட முண்டம். ஏ துளிராஜா இதரா,
तमिल वाले से हिंदी में बोल रहा है और मेरे साथ तमिल में बोल रहा है। उसके बाद में उसकी समझ में आई और ना ही मेरी समझ में। तो फिर आऊंगा। हाँ संजू, बीच में ये मोंटी कैसे सुनाई दिया? मैंने तो नहीं सुना। नहीं सुना? अच्छा नहीं, होटल बुक पढ़ रहा। ओके। पता नहीं आज क्यों ये मुझे बहुत अच्छा जो भी है मैं देख लूंगा। लगता है इसके अंदर कोई लव फीलिंग जरूर है। तुम किस्मत वाले हो यार, शादी हो गई और फर्स्ट नाइट भी होने वाली है। ये तो आपकी मेहरबानी से। ठीक है, ऑल द बेस्ट। संजना, अपनी दीदी को जरा बुलाओगी? दीदी अभी नहा रही है चीजू। चीजू कहा? मेरी प्यारी साली। इस तरह चिमटी मत काटो जीजू, कहीं दीदी को बुरा ना लग जाए और फिर मुझे भी कुछ कुछ होने लगेगा ना। सचमुच? देखो तुम भी खूबसूरती में कोई कम नहीं हो। मैं तुम्हें भाव नहीं दे रहा हूँ, इसका बुरा मत मानना। वो इसलिए मैं तुम्हारी दीदी बस और कोई नहीं हमारे बीच, ठीक है? लेकिन कहाँ है वो? वो कैसे आ रही है? देखा? तुम्हें कैसे लग रहा है पता नहीं, लेकिन आज मॉन्टी गया काम से। ए, हेलो। व्हाट? यही, ये सब क्या है? कभी यहाँ से गुजरती हो, कभी वहां से आती हो, सब दिखाई दे रहा है। पता नहीं दरवाजा बंद करना भूल गई या इनडायरेक्टली सिग्नल देना चाहती है। यहाँ तो मेरा पसीना छूट रहा है, जान निकल रही है। ऊपर से ये सुहाग रात की इफेक्ट, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे चला जा जा जा। अरे जाइए ना जाइए, अब तो जाइए। अरे जाना, कितना उताला हो रहा देखो। मेरे बारे में कुछ सोचा है? क्या सोचना है? यही कि मेरे साथ क्या करना है, ऐसा कुछ। करना क्या है? वैसे तो बहुत कुछ कर सकती हो। एक बार कहा कि मैं अच्छा लगता हूँ, आज संजू से भी कहा है कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर आई लव यू भी कह दो। आई लव यू, आई लव यू। तुम चाहते हो कि मैं तुमसे यही कहूँ, है ना? मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं कहूंगी, सिर्फ तुमसे ही नहीं, दुनिया में किसी से भी आई लव यू नहीं कहूंगी, मेरे मोंटी के सिवाय। मेरा मोंटी कौन है जानते हो तुम? मेरे दिल की धड़कन है वो, मेरी सांस है। तुमने कहा था ना बचपन में होने वाली दोस्ती के बारे में, ऐसा ही दोस्त है वो मेरा। मेरी एक बात कहने पर अपनी जिंदगी बर्बाद करके घर छोड़कर चला गया था वो, अपने माँ बाप को भी छोड़कर। 12 साल से मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो ही मेरा प्यार है। माँ बाप, भाई बहन, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर है वो। उसका नाम लिए बिना मैं एक दिन भी नहीं सोई हूँ, सिवाय उसके मैंने कोई सपना भी नहीं देखा। मैं चिल्ला चिल्ला कर उसे बताना चाहती हूँ, आई लव यू मोंटी। जाता
बुलाना है, कोई जैसे जोंगा कुछ बुलाना है। मस्ती मन के किसे पाके जाते हैं, मुझे झंझा में भी मुस्कुराते हैं। तेरी मेरे साथ रहे जाने जा, उसकी दुनिया के लिए रहे जाने जा। क्यों गुड्डी, शादी कैसी रही? भाई पूछ रहा है जवाब क्यों नहीं देती? अच्छी तरह निपट गई तो बताना चाहिए ना, ऐसा भी क्या करना। ए, वो मेरी बहन है, तू इस तरह बात मत कर। लेकिन वो कहाँ है? अरे कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? हमें जेल से भागकर आने के बाद कह रहा है, क्या है? चल अंदर। क्या तू डर गया कि वैजाग पुलिस के हाथों फंस गया? अपने ही आदमी है, आ बैठ जा, बात करनी है। क्यों बे, दल बदल क्यों किया? शिवा भाई ने ज्यादा पैसे दिए या तो उसे डर गया? सॉरी, शिवा भाई को मैं मार नहीं सकता डार्लिंग, चाहो तो पैसे लौटा दूंगा। पैसे लौटा दिया तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। शिवा भाई के घर में रहता है तू, उसे तू ही मारेगा। तुझे अपने बाकी के पैसे भी नहीं मिलेंगे। अगर तूने इनकार किया तो तू नहीं बचेगा। तू समझ नहीं रहा है, शिवा भाई कौन है पता है? गुड्डी का भाई है। मोहब्बत और क्या। अबे ओए, गुड्डी पर नजर रख। अगर तूने शिवा भाई को नहीं मारा तो गुड्डी को भूल जा। गुड्डी, गुड्डी का नाम मत लेना। गैंग के लड़के उसे भूखे भेड़ियों की तरह नोच डालेंगे। डार्लिंग, डार्लिंग, अरे बाप रे, ये तो गया। अरे गुड्डी को बीच में क्यों लाया? मैं अनपढ़ आदमी हूं, तू तो समझदार है। अब देखा क्या हुआ? मामला निपटा दिया है, मैं चलता हूं। एस्केप। ये अचानक क्यों भागा, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? सुनो, अरे मैं कभी ऊपर नहीं आया, तो बहुत बड़ा घर है। सत्या तुम बैठो, मैं अभी आई। डार्लिंग, डार्लिंग। क्यों रे, क्या हुआ? मैंने उस वकील को मार दिया डार्लिंग। किस वकील को? वो जो मंगल सिंह है ना, उसके वकील को। हे, सिर्फ उस अकेले को मारा? बाकियों को जिंदा छोड़ के क्यों आया बेवकूफ? वो सब इस वक्त कहाँ हैं? बुजदिल कहीं के मुझे कुछ नहीं कर पाया, इसलिए इनडायरेक्टली हमला कर रहे हैं। अरे मांटे, तू यहीं पर है? वहीं रुकना, मैं आ रहा हूँ। तुझे ढूंढने के लिए गुड्डी और मैं कहाँ कहाँ घूमे पता है? एक गुड्डी का ही घर है। अच्छा हुआ तू मिल गया। गुड्डी मांटे आ गया। हाथ छोड़ गुड्डी। चल मेरे साथ। अरे चल बाहर, चल मोटी। यहाँ मेरे मोंटी का नाम लेती हो सुना? क्या मोंटी यहीं पर है? सत्या कहाँ है? सत्या को मोंटी का नाम लेती हुई मैंने सुना। सत्या, सत्या, तुम कुछ छुपा रहे हो? मोंटी को सत्या ने पुकारा था। यहाँ पर मोंटी कौन है?
मोटी कौन है? हमारे घर में जो रहता है वो बताते क्यों नहीं? मोटी, मोटी, मोटी यहीं पर है, मैं जानती हूँ। मोंटी यहीं है गुड्डी। तुम्हारा मोंटी हमारे साथ है। कहीं तुम मुझसे फिर से न बिछड़ जाओ, इसीलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। तुम मेरे मोंटी को जानते हो? मेरे मोंटी को जानते हो? आओ मेरे साथ। ये उसका पागल हो गया है, उसके भाई के लिए सच की ये बात नहीं है यार। हे मोंटी, वही है तुम्हारा मोंटी। गुड्डी, ए, देखो कौन है। गुड्डी, गुड्डी, ए, देखो कौन है। गुड्डी, 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 ए, भाई को कवर करो। Hey! डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। डॉक्टर, डॉक्टर। भैया। हाँ गुड्डी। मैं मोंटी से कुछ कहना चाहती हूँ। मोंटी। हे, संजना हमारे पास है। युवा भाई को देखे इसे ले जा। मोंटी, उन लोगों से संजू को बचाना, बचाना मेरे भैया को, ले आना मेरे भैया को, मुझे मेरा भैया चाहिए, मुझे मैं।
मंगल सिंह, कहाँ है तू? तेरे अड्डे पर आया हूँ, तू अपने बेटों के साथ कहाँ छुपा हुआ है? बाहर निकल, बुझ दिल कहीं के। तेरा दुश्मन तो मैं हूँ, लड़ना है तो मुझसे लड़। लड़की की आड़ लेना चाहता है? हे, तेरा सर काटने के लिए तेरे अड्डे पर आया हूँ, लेकिन तेरी बीवी के जरिए नहीं, ना मर्द कहीं के। हमारा टाइम खराब था कि तुझे आज तक मार नहीं सका, इसलिए ये तरकीब अपनानी पड़ी। जंग में सब कुछ जायज है। ए, मैं और मेरे बच्चे तेरा सर काट के माता को बलि चढ़ाने की कसम खा के 6 साल हो गए, आज आज हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी। क्यों बे मांटी, शिवा भाई की हिफाजत के लिए आया है? सुवर की औलाद, शिवा भाई को यहाँ छोड़ के इसे लेके जा। शिवा भाई को तुम क्या करोगे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस एक आदमी मिल जाए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गुड्डी पर गोली चलाने वाला कौन था, वो मुझे चाहिए। उसे मुझे दे दो तो मैं चला जाऊंगा, वरना मैं शिवा भाई को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। लग रहा है कि मैं मेडिटेशन कर रहा हूं। शिवा भैया।
डार्लिंग, 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 आंखें खोलो, आंखें खोलो। बदन में इतने सारे गोली लगने के बाद कोई बच जाता है, लेकिन मेरे साले साहब बच गए। वो मुस्कान देखिए। सर, हैप्पी एंडिंग के टाइम पर हमें जेल ले जाना अच्छी बात नहीं है सर। लेकिन तुम लोग उस दिन जेल तोड़ के भागे थे, वो भी तो अच्छी बात नहीं है। उसे चोर पुलिस खेल समझ लीजिए ना। खेल का मजा चका। तेरी गाली मत देना, और रिमशन गए। चलो पटाते हैं, मस्का लगाना पड़ेगा। अरे ज्यादा खींचो मत साले डार्लिंग। फिर सेंट्रल जेल ले जाने वाले हैं डार्लिंग। अगर तुम जमानत दे के नहीं छुड़ाओगे तो गुड्डी यहाँ और मैं वहाँ, अच्छा नहीं लगेगा डार्लिंग। ये मैं जानता हूँ, मैं कुछ करूंगा। तू मेरा जीजा तो ठहरा। हाँ माँ। अच्छा, एक छोटा सा डाउट है। पूछो डार्लिंग। थैंक्स। बचपन में तुम दोनों का झगड़ा हुआ तो घर छोड़ के चला गया, आखिर झगड़ा किस बात पे हुआ? वो है, मैं बताता हूँ। मैं बताती हूँ। ना सुन रहे? नहीं, मैं बताती हूँ भैया। बोला ना, मैं बताता हूँ। दोनों में से कोई एक बोलो। वो क्या है कि एक दिन ये क्या कर रही थी, सॉरी, ये खेल रही थी डार्लिंग। कहाँ? बीच पर, वहाँ सोमनाथ की तरह इसने मंदिर बनाया। युञ्जते मनाहुत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेकयिन् महि देवस्य सवितुः परिष्कृतिः। गुड्डी, तेरा बर्थडे गिफ्ट। पता है तुमने क्या किया? मेरे मंदिर को तोड़ दिया। ओह सॉरी गुड्डी, आज तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए अमृत देने आया हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, आज मेरा जन्मदिन है इसीलिए स्नान करके मंदिर जाके दर्शन करूंगी सोच रही थी, तुमने सब बिगाड़ दिया। मंदिर है ना गुड्डी, मैं बना दूंगा ना। पैर हटा। ये क्या है पता है? मेरा भगवान। तुमने मेरे भगवान की बेइज्जती की है। इस भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। गुड्डी ऐसा मत कहो गुड्डी, प्लीज गुड्डी। आई हेट यू। गुड्डी रुको, गुस्सा मत करो, मैंने भगवान की कसम खाई है। अरे बाबे रुको ना, मेरी बात सुनो गुड्डी। गुड्डी यही हुआ डार्लिंग। हाँ, ये तो कुछ फूलिश लग रहा है। बचपन में जो करते हैं वो फूलिश नहीं तो क्या इंटेलिजेंट होगा डार्लिंग। सॉरी यार। Firing, firing, da-duck, da-duck, high tension, ah, now, baby.